रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। Welcome to Rockley Presents Box Cricket League. And shut the f**k, I'm telling you, shut up! जानने के दिखे बोल रहे हैं। पंगा ना ले पंगा, पंगा हो जाएगा। Sports, reality और entertainment का ऐसा सफर जिसने उड़ा दिए सबके होश। पिछले दो हफ्तों में Box Cricket League की 8 टीम्स ने किया कमाल का प्रदर्शन। हम यहाँ मुंबई के साथ खेल रहे हैं और अदिति उन लोग की ले रही है। कोलकाता बाबू मोशाइज, दिल्ली ड्रैगन्स, पुणे अनमोल रतन, जयपुर राज जोशीले, राउडी बैंगलोर, मुंबई वॉरियर्स, अहमदाबाद एक्सप्रेस, चंडीगढ़ कब्स, सभी ने दिखाए अपने जलवे। यहाँ था क्रिकेट, यहाँ था अग्रेशन, यहाँ था एक्शन और यहाँ था किलर रिएक्शन। आउट ही नहीं है, काएगा आउट है? सर नॉट आउट दीजिए, स्टार प्लेयर हूँ, समझा करिए, मत करिए ऐसा। फॉल आउट? भाई यू ओनली शोट द फिंगर ब्रो। भाई यू शोट द फिंगर व्हाट? चल नहीं। अपने दोनों मैचेस जीत चुके दिल्ली ड्रैगन्स और जयपुर राज जोशीले में हो रही है कांटे की टक्कर, लेकिन नेट रन रेट की बहुत ही नैरो मार्जिन से दिल्ली ड्रैगन्स हैं पॉइंट्स टेबल पर नंबर वन। वेलकम इंडिया टू रॉकली प्रेजेंट्स बीसीएल B10। खुशहाली, हरियाली, लव, चक्कर और टक्कर से पैक्ड क्रिकेट। सो यू व्हाट हैज हैपेंड इज जानबूझ के उसने बैट अपने विकेट पे मारा है। I don't know, why did she do that, yeah? Because वो balls miss कर रही थी, तो पीछे से टीम ने बोला कि वो देखो action replay चल रहा है, वो देखो। और खेलना है? ठीक है, तो अभी काम कर, विकेट के पास खड़ी हो जा, ठीक है? Just when you swing the bat behind, then hit the stump. Yeah, when, नहीं, but when the ball is bowled, as soon as he release the ball, then just hit the ball पीछे, पीछे होके खेलना। फिर भी और लड़कियां बाज नहीं आई। दिल्ली ड्रैगन्स की श्रुति उल्फत ने भी यही लोचा किया और खुद मार दिया बैट टू विकेट पर। ये जानबूझकर आउट हुई है महिला, ये ऑब्जेक्शन उठाया जाए, ये जानबूझकर आउट हुई है। She did get out on purpose. जानबूझकर आउट हुई है। आप जब जाते हो, आपका विकेट उड़ता है, प्लीज प्राउडली जाओ, इन प्लीज हिट विकेट करके मत जाओ। और ये मुस्कान ने भी मुस्कुराते मुस्कुराते हिट विकेट कर दिया। वही वाह, ये होती है खुलेआम चीटिंग। क्या चीटिंग करती हो यार, क्या चीटिंग करती हो यार, क्या चीटिंग करते हैं। जो गेम है इसमें लड़की लड़का कोई कम नहीं है, और मैंने इसलिए किया है क्योंकि यू नो दिस अ थिंग कॉल स्ट्रेटजी। अच्छा, सर उन लोगों को लग रहा है उन्होंने मुझे आउट किया है, तो उनको लगने दो, लेकिन मुझे पता है मैंने क्या किया है। जयपुर राज जोशीले की अंकिता ने भी यही चालाकी की। और देखिए डांस भी कर रही है। दिस इज नॉट डन एट ऑल। देखो किस तरह से डांस करते हुए जा रही है यार वो। भाई चीटिंग किया तो डरना क्या? तो भाई तुमने लड़की को लड़का लगाते ना? The entire Jaipur team, I think that is totally against the spirit of the game. लेकिन कोलकाता टीम को ये कहां बर्दाश्त था? कोई फायदा ही नहीं है ऐसी। थोड़ी तो शर्म होती है। आपको भी लड़का लगाते। अरे ये तो माहौल बड़ा गर्म हो गया। लड़का लगाते करना, आने दे। अरे शांत हो जाइए ठाकुर साहब, शांत शांत। मैं बस आउट हो गई, मैंने बैट घुमाया और वो विकेट पे लग गया गलती से। ओह रियली? इसके प्लान था सब कुछ, उसके बाद वो डांस करते हुए गई है। कोई का विकेट आउट होता है तो वो डांस नहीं करते हुए जाता है। ऑब्वियसली शी इज लाइक दिस दिस दिस। लगता है डांस पसंद नहीं आया। नहीं प्रैक्टिस मैच में ही मेरे लड़के को रिटायर नहीं करवाया था, ये क्या है यार? किसी
को मार दूंगी मैं अभी। यार हम लोग क्या पागल हैं, दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं पागल जैसे हैं, और यहाँ पे तो हम यही प्रैक्टिस करके आ जाते हैं ना कि स्टंप मारो। बॉलिंग बैटिंग क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं यार? आप एक्सेप्ट करो, आपने जानबूझ के हिट विकेट किया। यस, ये देखिए ठाकुर साहब की चोरी, ऊपर से सीना जोरी, जो नहीं है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। Owner of your team, this is how you're projecting a woman. I'm sorry, this is really sad. Yes, that is sad. It's really sad. Yes, this is our strategy. That's sad. हमने जब औरत का ओवर फेस किया, निवि वहाँ खड़ी नहीं, उसके लिए एक मिसकम्युनिकेशन के लिए आलोक आउट हो गया। वो चाहती है वो भी हिट विकेट करके जा सकती थी, हम भी ज़्यादा रन बना सकते थे, बट वी प्लेड फेयर। एक स्पिरिट होता है, एक ऑनेस्टी होती है जो एक इंसान में जरूरी है। फॉरगेट BCL, आप जिंदगी में क्या दिखा रहे हो, ऐसे आप औरतों को कमजोर दिखा रहे हो। बात तो पते की है, जहाँ कुछ लड़कियाँ जानबूझकर आउट हो रही थी, वहीं कई लड़कियों ने ये भी प्रूव कर दिया कि वो लड़कों से बेहतर क्रिकेट खेल सकती हैं। ये बात सत्यदेव पटेल, इतनी हैप्पी अनीता है, मैं कह रहा हूँ भाई कमाल है। खेल रहे हैं और अदिति उन लोग की ले रही है उत्तरी। बोलो चेन लेफ्ट आर्म राउंड टू यू, इजी इजी बॉय, इजी बॉय। अदिति ने तो ये प्रूव कर दिया कि वो क्रिकेट की प्रियंका चोपड़ा है। इनफैक्ट अदिति की बैटिंग ने तो कई मेल बॉलर्स का करियर ही खत्म कर दिया। गाइस, आई थिंक वी शुड ऑल गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू अदिति। व्हाट एन इनिंग्स, 36 रन मार के आउट हुई है। चक्के फट्टे अदिति। आई थिंक मेरा पॉइंट सिर्फ एक ही था, मुझे ये प्रूव करना था कि लड़कियां खेल सकती हैं, उन्हें हिट विकेट करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट टाइम आई थिंक मैं दिल्ली वालों के साथ यही कह के थक गई। आई थिंक श्रुति आई हिट विकेट करके चले गए, आई फेल्ट रियली बैड। विंध्या भी कम नहीं थी, उसने भी जो जोर के झटके दिए सब देखते रह गए। ओहो हो हो, मेल बैट्समैन की ईगो हर्ट हो गई। भाई क्या कर दिया विकास, भाई लड़की के ओवर पे आउट हो गए विकास। लड़की की बॉल पे आउट हो गए जो कि अनएक्सपेक्टेड है, बच्चों के लास्ट की दो बॉल्स बची हैं, इश गया तो आई एम श्योर वो दो छक्के मार ही देगा। ये लड़की कमाल खेल रही है, मतलब हमें इससे पूरी आशा थी। ये कहां अभी प्लेन हाईजैक करी थी अपने सीरियल में, बट शी इज एक्चुअली अ हाईजैकर, इसने अभी अपना पूरा गेम हाईजैक कर लिया है। वाओ विंध्या, मैं तुम्हारा फैन हो गया यार, क्या बात है, व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉल। That's a hat-trick! जहां लड़कियां हैट्रिक लेती हैं, दिस इज बॉक्स क्रिकेट लीग। जैसे कि आपने देखा शुरू में माइंड ब्लोइंग चौके छक्के मार रहे थे, बीच में रिदम थोड़ी सी टूटी, लेकिन अंत में फिर से आपने हिट बैक किया और आप तो भाई स्टार निकली, क्या विकेट लिए आपने। आई वॉज नॉट दैट गुड, इट्स ऑल प्रैक्टिस विच हैज मेड मी लिटिल यू नो बेटर एंड बेटर एंड बेटर। और आज आई एम वेरी हैप्पी दैट आवर टीम हैज प्लेड वेल एंड 3 wickets बैक टू बैक, सो आई एम हैप्पी। BCL के इस सीजन में बोलर्स ने लिया हैट्रिक, पुनीत, नमन शॉ, बरखा बिष्ट भी एक कंप्लीट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी बनकर उसने सबकी पुंगी बजाई। हाय हाय, चंडीगढ़ की कुड़ी ने कोलकाता के बाबू मोशाय को पैकअप कर दिया। ये क्या हुआ है, छोड़ो यार, अभी कुछ बोलने का मन नहीं है, क्या हुआ अब? हाँ हाँ, कुछ बोलने का मन तो नहीं है, क्या आप लड़कियों को कम समझ रहे हो? सलिल अंकोला आए हैं आप, एक्स इंडियन टीम प्लेयर, अब तो हर बॉल पर छक्का लगेगा। प्ले बॉल, छक्के छुड़ा दो। अरे छक्के मारना तो दूर, यहाँ तो बरखा बिष्ट ने सलिल अंकोला के छक्के छुड़ा दिए।
That's an ex-Indian player playing on the pitch, guys. दो बॉल बाकी, क्या दो छक्के लग पाएंगे? अभी तक चार बॉल में एक भी रन नहीं दिया बरखा ने, क्या बात है। सले लंकोला बरखा की बॉल से डर के अब बॉलिंग एंड पे आ गए हैं। सिर्फ 7 रन दिए बरखा ने, ये शायद रिकॉर्ड होगा आगे जाके। फीमेल ओवर में सिर्फ 7 रन। मैं कितनी प्राउड हूँ और मैं आई वॉज हैविंग सच एन अमेजिंग टाइम जस्ट वॉचिंग यू प्ले मैन, यू आर लाइक यू आर फायर बॉल ऑन द पिच। एब्सोल्युटली वाओ, आप खुश हैं अपने प्रदर्शन से, आपकी टीम के प्रदर्शन से? जी बहुत खुश हूँ अपने ओवर से, ऑफकोर्स बहुत 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 खुश हूँ। मैंने सले लंकोला को बोल किया और वो मेरी बॉल पे हिट नहीं कर सके, सो वाओ बरखा। बट आई थिंक मेरी टीम ने बहुत अच्छा खेला, दे सपोर्टेड अस, सो चीयर्स टू शांति करता। इजाज़ खान को तो क्रिकेटर बनने से ज्यादा एंटरटेनर बनने से मतलब था। उन्होंने तो हर छोटी सी बात पर ऐसे मुद्दे बनाए कि बाकी टीम्स करती रही हाय हाय। मुंबई वॉरियर्स कर रहे एक दूसरे पे शाउट क्योंकि नहीं हुए इजाज़ आउट। कैच ऊपर उड़ा, बॉलर फॉलो थ्रू में कैच नहीं जा रहा था, बैट्समैन ने पर्पस ही लगा तो उसको पुश किया उसने और उसको डिस्टर्ब किया कैच लेने से। अरे लेकिन तो मैं भागूंगा कहां से सर, भागेगा तो वहीं से ना। एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि मुंबई वाले लोगों ने कैच छोड़ दिया ही, वो पहले से चीटिंग कर रहे हैं। वो उसने हमारी लड़की को रन आउट नहीं किया जानबूझ के, तो चीटिंग करके क्या खेल रहे हो? सीधा खेलो ना यार, मर्द की तरह खेलो। ओके लुक एट दिस वन, ये पुल किया उसने, एज लगा, ऊपर गया बॉल, द बॉलर वाज अबाउट टू टेक द कैच बट ही पुश्ड हिम। हमारे एक नंबर एजाज को और नंबर बढ़ाने का मौका दिया गया है यहाँ पर। ये मुंबई बैंगलोर से कम इंडिया पाकिस्तान का मैच जा लग रहा है मुझे एकदम से, इतनी इंटेंसिटी हो चुकी है। इट्स आउट, ओह माय गॉड इट्स एन आउट, दैट्स एन आउट, एजाज आउट हो गया। बट मुझे लगता है वो बाहर आने वाले बिकॉज़ उसके हिसाब से वो आउट नहीं है। अरे काइगा आउट, एजाज कहां किसी की मानने वाले हैं, आउट ही नहीं है, काइगा आउट है सर, काइगा आउट है सर। डेलिबरेटली ऑप्शन इज द फील्डर। अरे डेलिबरेटली आई एम रनिंग सर, कैसे हो रहा है सर? नॉट आउट है सर, सर नॉट आउट है, आप किसी से भी पूछिए। ये देखिए किस तरह इजाज ने दर्शकों को बना दिया एम्पायर। पूछिए ना सर, उधर पूछिए, उधर पूछिए। द एंटायर ऑडियंस सेज, ऑल द स्पेक्टेटर्स से दैट इज नॉट आउट, बट एम्पायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन, व्हाट टू से सर? नॉट आउट दीजिए, स्टार प्लेयर है, समझा करिए, मत करिए सर, नॉट आउट है सर। राउडी बैंगलोर की पूरी टीम राउडी गिरी से बाज नहीं आ रही। सी एक ही ऑप्शन है इसमें, फील्डिंग साइड कैप्टन अगर वो अलाउ करता है बैट्समैन को तो वो वापस आ सकता है। ओ हो हो, बड़े भोले भाले एम्पायर हैं। देखते हैं डिसीजन क्या होता है। यस सर, आई अलाउ हिम टू बैट, वी विथड्रॉ द अपील। लो कर लो बात। वैसे इजाज खान एक नंबर क्रिकेटर बन पाया नहीं, एक नंबर एंटरटेनर जरूर बन गए। इजाज के ड्रामे ने किए कई हंगामे, पर डॉली जी का उस बात पर था अपना ही कुछ अलग सा टेक, और डॉली जी भी चढ़ गई चलती ट्रेन पर। बहुत अच्छे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? करना पड़ता है, आपके कैप्टन ने ही उसको वापस बुलाया, मैंने तो आउट दिया था। आप बोल दो जनरल, डॉली की बात आई तो कौन भूल सकता है कि कमेंटेटर से कैसी थी उनकी लड़ाई। मैं कई बार सोचता हूँ कि उनकी सोसाइटी में जो डॉली आंटी के आसपास बच्चे होंगे बहुत डरते होंगे। ये क्या मेरे बारे में बोल रहे? ए आंटी किसको बोल रहा है तू इधर? ए ए क्या नाम है, क्या नाम है इसका, नाम क्या कंपेयर का? पंगा डाले, पंगा दंगा हो जाएगा। बेटा तू तो गया, तू तो गया। डॉली आंटी, डॉली आंटी, उन्होंने धमकी दी है कि अब अगर किसी ने उनको आंटी कहा तो वो पिच पे उतर जाएंगी और उतार देंगी बहुत कुछ, एज इन बहुत कुछ।
सेक्सी डॉली ठीक है डॉली बेबी प्लीज बैटिंग स्टॉप कमरिंग ऑलराइट सेक्सी डॉली सॉरी डॉली डार्लिंग यू आर डिस्टर्बिंग सो मच वो जो सिल्वर वाले जूते ना तुम्हारे सर पर लगने वाले हैं अभी बोल रही है ए गिने जने कमेंटेटर अपनी फुटेज खाने के चक्कर में पता नहीं कुछ भी बोले जा रहे हैं इनको तो मैं देख लूंगी बाद में आई डोंट वेस्ट माय टाइम विद कमेंटेटर अपार शक्ति और रुचि रहे इस सीजन के हाईलाइट और उनके साथ सभी प्लेयर्स की हुई जम के लड़ाई इनको क्या हो गया इनको क्या हुआ अजय जी बाजी बड़ा आउट हो गए यू नो दैट्स अ टाइम यू रिमेंबर गॉट आउट बिकॉज़ ऑफ द लॉ प्ले बॉल हो जाए अरे हमें इसीलिए रखा है एक बार प्ले बॉल एक से रन प्ले बॉल हो जाए नो कमेंट प्ले बॉल के बाद आई से एनिंग हो धोनी बोल रही पीछे से यार 15 तुम्हारी टीम के प्लेयर योर ऑन द माइंड करण टैकर जैसे शांत एक्टर को भी आ गया गुस्सा क्या आपको लगता है कि ऐसे कहने से कुछ फर्क पड़ेगा फर्क का पता नहीं बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमेंटेटर्स बहुत बदतमीज हैं एक बेसिक तमीज के साथ कमेंट्री होनी चाहिए यू नो शब्बीर को भी अपनी बातों से अपार शक्ति ने कर दिया बहुत अपसेट मयंक काफी लोग आपको आलू बोला करते थे अब क्या बोलते हैं सर अभी शब्बीर को बोलते हैं आलू क्या बात करते आलू वाले अच्छा ओ ओके शब्बीर की ना आगे काफी निशीली है दिखाई दे रही है यहाँ से नाम नहीं बियर है ना शब्बीर ओए देखो बताओ पाजी माइंड कर रहे हैं वहां बैठ के अरे गाइस नो पर्सनल चुप करो क्यों क्या हुआ है बस चुप करो ना चुप करेंगे तो क्या कमेंट्री का क्या बात हुई फिर इसके लिए तो रखा है अपने घर जाके कर ले और कमेंटेटर्स ने अपने कमेंट से आरती की ऐसी आरती की कि आरती ज्वाला बनकर उन पर भड़की छक्के छूट रहे हैं आरती के यहां पर शी डजंट लाइक द जर्सी आल्सो नो बॉल शी वांट्स इट टू बी अ स्पेगेटी ड्रेस खेलो ना यार कम प्ले हो या एंड शट कम टेलिंग यू शट अप ओ हो माइंड कर गई है तो आप गरबा करो गरमा क्यों रहे हो छक्के ज्यादा पड़े क्योंकि तुम गरम प्ले बॉल ना शांति मैं गरम हूं बोला मैं हूं शब्बीर को टारगेट किया देन फिर उनको शब्बीर से रिएक्शन नहीं मिला तो मुझे टारगेट किया और मेरा रिएक्शन मिला तो आई थिंक यही वही चाहते थे कि मेरा रिएक्शन मिले सो आई थिंक मैं आगे भी रिएक्शन दिखाऊंगा Another six. सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ओवर इस पूरे BCL का You all the fingers for yourself, guys. Come up there right now. You only showed the finger, bro. Baji, you showed the finger. What? Tell me. मारूंगा. वो बंदा. टेलीविजन के सबसे चहीते बेटे करण पटेल ने दिखाया अपना अलग रूप और बरसाए कमेंटेटर पर डंडे खूब नेवी कम ऑन नेवी 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 वेट 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 गुड बॉल नेवी गुड बॉल जानने के दिखे बोल रहे मैं भी चले जाऊंगा फील्ड पे कम ऑन बॉय शाबाज तगड़े हो खेलेंगे जूता मारूंगा नगराम बाजी गुड मूव बाजी रिस्पेक्ट ओनली फॉर यू दो यू हैव ऑल द फिंगर्स फॉर योरसेल्फ गाइस ओहो हो ये क्या बोल दिया भाई कम अप द राइट नाउ यू ओनली शोड द फिंगर ब्रो यू ओनली शोड द फिंगर हु शोड द फिंगर हु You are playing against the spirit of the game. What did I say? Tell me. What did I say here?
ये जो आपने कमेंटेटर बिठाए हैं ना, इनको किसी कूड़े वाली ढेरी पे बिठाओ जाके। इनको सिर्फ गंद आता है, बाकियों के कहीं और से निकलता है, इनके मुंह से निकलता है। फ्रस्ट्रेशन आ रही है करण की बाहर और उनकी पूरी टीम की बाहर, बिकॉज मैच शायद आज जीत जाएं, लेकिन बेटा कल जो थूथू होगी उनके ऊपर ना, वो रो रहे होंगे। He showed the finger, bro. What did I say? Baji, you showed the finger. What? Tell me. This was very unethical, yaar. आप एक प्लेयर हो, आप एक सेलिब्रिटी हो, आप एक नोन फेस हो, आप कमेंटेटर को ऊपर चढ़ के धमकी दे रहे हो। और ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो भूल चुके हैं, शायद थी नहीं, आई थिंक याद दिलानी पड़ी उसको। चुप कर यार, तुझे बोल रहा हूं। कमेंट्री कर रहे हैं ना, उनकी भी एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गेम को गेम की तरह से मतलब कमेंट जो भी कमेंट कर रहे हैं, किसी को पर्सनल कमेंट्स तो ना करें। ऑब्वियसली सामने वाले को गुस्सा तो आएगा ही ना। Let's get this back spirit for the game. Come on, boys and girls. I'm gonna do my job. देखो वही जैसे बोल रहे थे कि shut up. Why should I shut up? And जो मुझे लगेगा ठीक हूँ मैं बोलूँगा। बॉक्स क्रिकेट लीग में लड़कियों को तो बॉल चक करना अलाउड था, मगर लड़कों को बॉल चक करना अलाउड नहीं था, और इसी से हुई सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी। ओके, एक बार फिर से ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। आलोक को लगा है इस बार कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ेशन हो रही है। नो, बट दिस इज चकिंग। ये बॉल थी, मैंने पहली दो बॉलों में नहीं बोला, मैंने शरद ने पहली दो बॉल में लगता है बॉलर पुनीत पर चक दे इंडिया का बहुत असर है। जो भी लोग देख रहे हैं उनको पता चल रहा है कि क्लियरली वो चक कर रहे हैं, प्रॉपरली उनका आर्म बेंड हो रहा है, व्हिच इज नॉट राइट, और ये नो बॉल है। कुछ जो है अभी वो मैदान में उतर गए हैं, उम्मीद है कि वो अपने अंपायर को कुछ सिखा के आएंगे। कोलकाता के गुरु जी पिच के अंदर घुस गए हैं। कौन, हु इज ही? यार ये ठाकुर साहब को इतना गुस्सा क्यों आता है? एनी आईडिया? Who is he? Why is he in the pitch? अब एक्शन देख लो। Who is he? Captain can come. Who is he? Coach. Oh, out. No coach is allowed. No coach is allowed on the pitch. Out. ये है intensity of box cricket league. अरे टीम है उसकी, आएगी नहीं कहता है वो भी। पूरी टीम में है। ये क्या बात है? ये राजी क्या हुआ क्या इसको? We are players. हो गया। जब एम्पायर कह रहे हैं कि नहीं कर रहा है, अगर एम्पायर ने उन्हें पहले इस वजह से आउट कर दिया होता तो वो दूसरा ओवर बॉल नहीं कर रहे होते। बॉक्स क्रिकेट लीग में लड़कियों को पहले चार ओवर और आखिरी चार ओवर में बोलिंग करना था जरूरी, लेकिन आरती को क्या पता था कि उनके ओवर में 54 रन बन जाएंगे। उनकी का ओवर है और 40 रन हमारे हाथ में है, 6 बॉल में छक्के और 4 नो बॉल। Another six. No ball it is. भाई एक ओवर में 36 रन तो सुने थे, पर 54 रन, आई थिंक ये एक रिकॉर्ड होगा नहीं? जय माता दी। जोर से बोल। मुझे क्या लग रहा है, कोलकाता की टीम ने आरटी के अकाउंट में आरटीजीएस कर दिया कुछ अमाउंट। इसको कहते हैं नॉन स्टॉप धुलाई। आरती क्या तुमने गेम किया है फिक्स? लगा रहे करण बार बार सिक्स। ये कोलकाता वाले भी आरती की खूब आरती उतार रहे हैं। अरे बस करो यार, क्या बच्ची की जान लोगे? आरती,
बॉलों के अंदर 47 रन आ चुके हैं। ये आरती बहुत ही, मैं आज चुम्मी देने वाला तुम्हें बेटा, मेरी शर्मिंदगी जो बैटिंग में महसूस हो रही है सब चले गई है। अगर विंध्या हमें ऐसा बॉलर जिताने वाली है, आरती माई डार्लिंग तुम हमें जिताने वाली हो। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ओवर इस पूरे BCL का। अब मुझे लग रहा है हम लोग 100 का नया टारगेट बना रहे फॉर दीज टू गर्ल्स फ्रॉम अहमदाबाद, और फिर हम लोग मैच जीत पाएंगे। भाई मेरे ये क्या हो रहा है? अरे यार 193 तक जाना है तो थोड़े रन तो बनने देने पड़ेंगे ना, नहीं तो कैसे जीतेंगे। और लड़की की ओवर है तो उतना तो एक्सपेक्ट करके चलना ही चलना है। देखो आप ये 7th-8th ओवर में ना मैच कहाँ पे ना वो ज्यादा तय होता है। लड़की की ओर में 6 छक्के नहीं मारेंगे, वो तो हम गिन के ही चल रहे, 36 बाजू पे रख दो। और आरती तो मानो स्लोगन ही बन गई, यहाँ तक कि मेल बॉलर्स में भी उनको आरती नजर आने लगी। कोलकाता ने तो कपिल में ही दूसरी आरती खोज ली। दूसरी आरती नवाज आ रही है हमें कोलकाता बाबू मोशा इसकी तरफ से। दूसरी आरती आरती, यू हैव सम कॉम्पिटिशन राइट हियर, क्या हो रहा है? गले लगा लो यार उसे। मगर इन 8 मैचेस में सबसे बड़ी नौटंकी का अवार्ड जाता है राउडी बैंगलोर को। 17 पे ऐसे हुए आउट कि उनको नहीं आता क्रिकेट, इस बात का था नहीं कोई डाउट। और बैंगलोर के पहले प्लेयर फूरू के आउट होने के बाद बाकी प्लेयर्स तो जैसे ताश के पत्तों की तरह गिर गए। एम्पायर को गलतफहमी हुई है, हमारे खिलाड़ी आउट नहीं है, नहीं है, ये फिक्सिंग है, फिक्सिंग है, फिक्सिंग है, ये फिक्सिंग है, झूठ है ये। ओ राखी ने तो सीधा फिक्सिंग का दावा कर दिया। I don't believe this. सर नहीं आउट का, सर बैट को टच ही नहीं हुआ सर। बहुत बड़ा साउंड था। बाजी राखी सावंत का कुछ तो झगड़ा हो रहा है भीमेश जी के साथ में। Impossible. Zero पे आउट हमारे खिलाड़ी हो ही नहीं सकते। Fixing है, fixing है। Empire gone mad. Now this is really disheartening for the Bangalore team, क्योंकि पुरु एक बहुत ही strong batsman है और पिछले मैच में उन्होंने संभाल के रखा था टीम को, लेकिन अब मस्की आ गए हैं and अपनी smile से ही ये मैच जिता देंगे। मस्की, come on मस्की, smile! लो जी, क्रिकेट तो मस्की के भी ना थी बस की। राउडी है ही नहीं यार, शोर नहीं मचा रहे ना, बैट शोर मचा रहे ना उनके। नहीं नहीं नहीं, मैं आज बैंगलोर को सपोर्ट कर रही हूँ। आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कंटेन देयर एनर्जी। एक के बाद एक दो विकेट चले गए हैं। इस तरह बैंगलोर के असलम भाई का भी हो गया भाई भाई, आई मीन बाय बाय। 2.3 ओवर्स ही हुए हैं और 3 विकेट जा चुके हैं, सिर्फ 9 रन बने अभी तक। काली बिल्ली आज कोई रास्ता काटी है राउडी का, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी कई काली बिल्ली है मार दी, अभी बॉल है, कभी भी पलट सकता है, बाकी है अभी, बाकी है। इनफैक्ट मैच में हालत तो ऐसी हो गई कि समझ में नहीं आ रहा था कि रन कौन से हैं और विकेट कौन से। राउडी बैंगलोर
wicket. This is making big waves. It's big news. Let's see what's next. लो जी राखी का ड्रामा शुरू। नहीं था सर, आप एक बार देखे सर, सर नहीं आउट था सर, बैट को टच ही नहीं हुआ सर। ओ भाई साहब आप तो गए। टच नहीं हुआ सर। बाजी राखी सावंत का कुछ तो झगड़ा हो रहा है भीमेश जी के साथ में। सर टच नहीं हुआ सर। बहुत बड़ा साउंड था। एक गलत डिसीजन कैसे पूरी गेम बदल देता है। पूरू को जो गलत आउट दिया गया, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उसने पूरा मॉरल डाउन कर दिया। जीरो पे आउट हमारे खिलाड़ी हो ही नहीं सकते। फिक्सिंग है। एम्पायर गॉन मैड। एम्पायर को इन्होंने रिश्वत दी है। वाइड बॉल। दैट इज अ विकेट। तीन ओवर, छह विकेट्स डाउन, 9 रन। मैंने आई एम सॉरी लेकिन इतना बुरा स्कोर मैंने कहीं नहीं देखा यार। व्हाट्स हैपनिंग? क्या हो गया बैंगलोर टीम? कहां गई राउडीगिरी? अब कुछ लेते क्यों नहीं? क्या मैं नहीं खेल रहा हूं इसलिए तो ये नहीं हो रहा है? मैं शायद सोच रहा हूं मैं आ जाऊं। इट्स नॉट अबाउट 10 ओवर्स, देयर आर मेनी मेनी मोर बॉल्स एंड वी हैव गुड प्लेयर्स, सो आई एम होपिंग, कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस, चक दे फटे राउडी बैंगलोर, प्लीज कम बैक। सुपरमैन कहाँ है? पावर किधर है तुम्हारी? पावर तो है पूरी। कोई पावर वावर नहीं है? नहीं, शर्मनाक। मैं जा रहा हूँ, अभी देखता हूँ। बोल्ड 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 बोल्ड, एक और बोल्ड। फट गई है, फट गई। कभी कभी कोई दिन होता है ना कि आप जो चाहे वैसा ही होता है, तो समझ लीजिए आज हम लोग के लिए वही दिन है। अगर मैं यॉर्कर मार रहा हूँ तो वो यॉर्कर ही जा रहा है। लग गई है पूरी तरह से फिलहाल तो। स्टिल वी आर नॉट गोना गिव द होप, पूरी तरह से छोड़ेंगे नहीं, भले हमारे पास 17 रन हो, 20 रन हो, जितने भी हो बोर्ड के ऊपर। कोशिश करेंगे कि माधन करते हैं पूरी तरह से। मैंने तो शो की शुरुआत में कहा था कि फिक्सिंग बहुत होती है। ये प्रदर्शन देख कर तो लग रहा है कि फिक्स हो चुका है मैच। नहीं, फिक्सिंग कुछ नहीं होती है, वो सब ऐसे ही है। अरे मेरे लाल कितना भोला है। ओहो बाल तो देखो जरा, एकदम क्या बात है। प्लीज जाओ और जरा टीम की जान बचाओ। I'll try my best. बोल्ड, बहुत बुरा दिन था या फिर हमारा बहुत अच्छा दिन था? ऊपर वाले ऐसे ही दिन बनाए रखना। थैंक यू। मगर हाईलाइट थी राखी सावंत, जिन्होंने अपनी नौटंकियों से सबको किया बिजी। और ये देखिए बैट के साथ राखी की तलवारबाजी। मां शक्ति, कम ऑन राखी, मां शक्ति। मेरी अम्मा मेरी बात सुनो, अभी आप और मैं बचे हैं सिर्फ। बात सुनो, विकेट घेर के खेलो, मारने की जरूरत नहीं है। चैलेंज हुआ, ओवर हुआ, ओवर। सो टच कर दो और मार चलो। ओवर हो गया, जाओ मारो। गो देयर, ओवर हो गया। बैटिंग तो राखी को मिली नहीं, अब ये जा का रही हैं। अरे अरे, ओहो हो हो हो, ये लो गए भीमेश बाबू। अरे राखी कंट्रोल। हमारे भीमेश शाह की जान खतरे में है, बहुत ज्यादा खतरे में है। ये तो राखी पूरी मर्डर के मूड में है। अरे नहीं यार, चुम्बक ही है, उनका नाम रखा गया है, लेकिन यहाँ तो राखी बिल्कुल उन पर चढ़ गई है। चुम्बे से कहीं ज्यादा बात आगे बढ़ गई है। या देखो जरा हमारे अंपायर की बीवी, ये देखो अंपायर की बीवी बेचारी शर्म से पानी पानी हो रही है अपने पति को राखी सावंत द्वारा जप्पी पाते देख। लेडी लक के लिए अक्सर अंपायर को चुम्मी देनी पड़ती है। Have a look at this one. देखो जरा रीप्ले में देखो। दिखाइए दिखाइए। ये देखो, ये हिमेश बाबू की तो निकल पड़ी है। मौजा ही मौजा। चुम्मी ले।
एम्पायर भीमेश शाह के लिए तो ये बॉक्स क्रिकेट लीग सीजन 1 साबित हुआ बहुत ही मीठा, क्योंकि लड़कियों ने ही नहीं लड़कों ने भी एम्पायर के गालों पर कर दी चुम्मियों की बारिश। सर कितने लोग हैं? पर यहाँ पे मेरा अभी चुम्मी देके जा चुके हैं। मेरा कमान वंस अगेन, अरे अंपायर को छूने का मना किया है यार। एक बात समझ में नहीं आई, लड़कियों से तो एम्पायर साहब ने खुशी खुशी चुम्मियां ली, पर लड़के जब चुम्मी देने आ रहे हैं तो एम्पायर बाबू कितना हिचकिचा रहे हैं। ये चुंबकीय और चुम्बकीय एम्पायर की कहानियां और किस्से हुए अगर डबल, तो एंटरटेनमेंट भी हुआ विदाउट एनी ट्रबल। कविता जी मैं प्लीज इधर आऊं भाई, एक तो तेरे साथ इतनी सेफ महसूस करती है, थोड़ा अनसेफ तो करें इसको। एक्चुअली है ना, तो कविता जी हाँ जी, सच में आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, टोटल वाइट, ओह माय गॉड। अच्छा मैं ना ये पहला BCL में देख रहा हूँ, दो एंकर आते हैं स्टेज के ऊपर, कैमरा ऑन होता है, माइक जैसे ही बोलता है अचानक जेंडर चेंज हो जाते हैं। इधर से अचानक यस वे नाउ प्रेजेंट्स दिस और दैट, ओह माय गॉड व्हाट यू सेइंग। अच्छा कविता की इसी भारी भरकम आवाज में सोचिए पुलिस वाली का रोल किया, कसम से जिस थाने में तू होगी उस पर केस इतने आने हैं ना, मतलब इतने आने, मैं तो डरता हूँ कई बार कि ऐसे मुजरिम आएंगे मेरे जैसे सीधे आएंगे, प्लीज चालान काटिए। यार तेरे जैसे लोगों का तो चालान नहीं, बस थैंक यू, आगे मत बोलना, आगे समझ गया, मैं समझ गया, और अगर तुम और भी बोलना चाहती है मैं जो समझा वही समझ, बस और कुछ नहीं। लेकिन कविता जी सच में आप इतने साल से पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रही हैं, तो रियल लाइफ में कभी हुआ कि थानेदार बाहर आया हो? एक्चुअली मेरे पापा पुलिस वाले हैं, तो चलो मेरी बहन है। BCL में ऐसे कई मौके थे जब हमारे प्लेयर्स का ध्यान क्रिकेट से ज्यादा हमारी एंकर कविता कौशिक पर होता था। यार आमिर भाई जो भी आता है कविता के साथ फ्लर्ट करता है, चक्कर गया। किसी ने लिखी कविता तो किसी ने की शेर व शायरी, इनकी खूबसूरती ने कायल कर दिया है। तुम भी सफेद कपड़े पहनती हो और एम्बुलेंस भी सफेद होती है, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम घायल करके चली जाती हो और वो घायलों को ले जाती है। हुआ सीने में दर्द तो उसकी दवा तुम हो, ना होता कयामत का डर तो कह देता खुदा तुम हो।